शाही शादी का नगमा। ज़बूर नंबर 45। मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं। मेरी ज़ुबान माहिर कातिब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है, तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। ए ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत व शौकत है अपनी कमर से हमायल कर और सच्चाई और हिल्म और सदाकत की खातिर अपनी शान शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो और तेरा दहना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज़ हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं, उम्मतें तेरे सामने जेर होती हैं। ऐ खुदा, तेरा तख्त अबदुल आबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफ़रत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज़्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और ऊद और ताज की खुशबू आती है। हाथी दांत के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। तेरी मुअज्जज़ ख्वातीन में शहजादियां हैं। मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से आरास्ता खड़ी है। ऐ बेटी सुन, गौर कर और कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है, तू उसे सिजदा कर और सूर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे, बादशाह की बेटी महल में सरतापा हुस्न अफरोज़ है, उसका लिबास ज़रबफ़्त का है, वो बेल बूटेदार लिबास में बादशाह के हजूर पहुंचाई जाएगी। उसकी कुवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं तेरे सामने हाजिर की जाएंगी, वो उनको खुशी और खुरमी से ले आएंगे, वो बादशाह के महल में दाखिल होंगी। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशीन होंगे, जिनको तू तमाम रोए ज़मीन पर सरदार मुकरर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूँगा, इसलिए उम्मतें अबदुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। आमीन।